क्या टाला जा सकता था कोर्ट रूपी हादसा। देखना चाहते हैं अगर हमारी आने वाली ये वीडियोस, तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारा ये चैनल और दबाएं बेल आइकॉन बटन। हिमाचल प्रदेश, कोट रूपी लैंडस्लाइड, सन 2017 और 48 जाने। आज शायद ही कोई प्रदेशवासी मंडी जिले के पद्दर में कोट रूपी भूस्खलन को भूल पाया है, जिसने 48 जाने समा गई। कोट रूपी में अचानक आई इस तबाही में हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। प्रदेश सरकार सेना की मदद से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी ताकि मलबे में दबी जाने ज्यादा से ज्यादा बचाई जा सके। अब जरूरत है ग्राउंड लेवल पर आकर एक सही दिशा में सही कदम उठाने की। मॉडर्न जीएस टेक्निक से हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ये नई टेक्निक्स पूरे क्षेत्र को मॉनिटर करने में हमारी मदद करती है। एक सरल भाषा में समझाया जाए तो जो सैटेलाइट्स हमारे ऊपर हर वक्त चक्कर लगाती रहती हैं, उनकी मदद से हम डिजिटल डाटा और डिजिटल इमेजेस का इस्तेमाल करके क्षेत्र के मॉनिटर को मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि ये जानकारी हासिल की जा सके कि कहां पर भूस्खलन की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी कि जियोलॉजिकल चेंजेस को मॉनिटर करना टाइम टू टाइम। आइए अब हम एक छोटी सी जीआईएस एक्सरसाइज करते हैं कोट रूपी लैंडस्लाइड की। हम आपको कुछ पुरानी डिजिटल इमेजेस कोट रूपी साइट की दिखाएंगे और जियोलॉजिकल चेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है साल 2001 की। इस इमेज में एक छोटा सा स्कार साफ साफ नजर आ रहा है। अब जब हम आगे की 3 साल की और इमेजेस को भी देखें, तो उसमें कुछ ज़्यादा जियोलॉजिकल चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ही कम हुए होंगे और उनकी इंटेंसिटी भी काफ़ी कम रही होगी। 2009 की डिजिटल इमेज से हमें ये कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं, खासकर ईस्ट और वेस्ट साइड में। वहीं पर 2011 की इमेजेस को अगर देखा जाए तो जियोलॉजिकल चेंजेस में काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है। लेकिन 2013 के बाद वर्ष 2014 और वर्ष 2015 की इमेजेस में नॉर्दर्न साइड में भी एक काफ़ी बड़ा स्कार बन चुका है, यानी कि लैंडस्लाइड होने की इंटेंसिटी अब बढ़ चुकी है। ये पूरा का पूरा पैच कभी भी नीचे की तरफ दरक सकता है और अगर इसमें भारी वर्षा भी होती है तो वो एक ट्रिगर का काम करेगी। इमेज में ये साफ साफ देखा जा सकता है कि अगर लैंडस्लाइड हुआ तो साउथ में कौन कौन सी जगह इसकी चपेट में आ सकती है। वर्ष 2017 की इमेज में ये साफ देखा जा सकता है कि स्कार्स के अंदर का पूरा पैच नीचे की ओर दरक गया, भूस्खलन हो गया। इस घटना को पूरा एक वर्ष होने वाला है और हमारी प्रदेश की मीडिया ने फिर से ये सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि वहाँ पर दोबारा से भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अब हम आपको दिखाते हैं नॉर्दर्न साइड से 3D एलिवेशन व्यू। 3D एलिवेशन व्यू से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि नॉर्थ का पैच जियोलॉजिकली अभी बहुत वीक है और अगर मॉनसून्स में भारी वर्षा होती है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ट्रिगर होगी ही, यानी कि साउथ के विलेजेस और नॉर्थ के विलेजेस में
इस भूस्खलन की वजह से दोबारा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब हम आपको कोटरूपी लैंडस्लाइड का एक छोटा सा जीएस एनालिसिस करके दिखाएंगे। इस एनालिसिस में हम ये अनुमान लगाएंगे कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का इस लैंडस्लाइड की वजह से कितना नुकसान हुआ। इमेज में जो आप येलो लाइन देख रहे हैं वो है लैंडस्लाइड का इन्फ्लुएंस एरिया, यानी कि 1 से 1.5 किलोमीटर तक का। रेड लाइन जो आप देख रहे हैं वो आपको दिखा रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वहीं पर इमेज में जो आपको हम ग्रीन लाइंस दिखा रहे हैं वो है विड्थ वाइज डैमेज, यानी कि नॉर्थ साइड में 200 मीटर तक का डैमेज दिखाई देखा जा सकता है और साउथ में तकरीबन 50 मीटर का डैमेज देखा जा सकता है। अब आगे हम आपको आरजीएस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया एक डाटा दिखाते हैं। इस डाटा की मदद से हम हेक्टर वाइज नुकसान का आकलन करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ओपन स्क्रब वेस्टलैंड में 7.6 हेक्टर तक का नुकसान का आकलन किया गया है, ग्रीन कवर एरिया में 4.96 हेक्टर का नुकसान का आकलन किया गया है और एग्रीकल्चर एरिया में 2 हेक्टर तक के एरिया का नुकसान हुआ है और बिल्टअप एरिया यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 0.05 हेक्टर का नुकसान का आकलन किया गया है। जीएस टेक्निक्स के सही इस्तेमाल से हम एक सही कदम उठा सकते हैं। इसके लिए एजीसेक, आर्यभट्ट स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापित है, उनकी और सरकार की एकजुट मदद से हम लैंडस्लाइड जोन्स को वक्त पर मॉनिटर कर सकते हैं और फ्यूचर में होने वाली ऐसी घटनाओं पर रोकथाम कर सकते हैं, जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बस यही बताना चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन मिलकर सही मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल कर किसी भी घटना को किसी भी परिस्थिति में संभाल सकते हैं। धन्यवाद।